राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और राज्य सेवा विधिक प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार 11 दिसंबर शनिवार को जिला मुख्यालय नीमच और तहसील मुख्यालय मनासा रामपुरा और जावतपुर नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। लोक अदालत के माध्यम से प्रकरणों के निराकरण हेतु जिला मुख्यालय नीमच पर 8 खंडपीठ, तहसील मुख्यालय मनासा पर 3 खंडपीठ और मुख्यालय रामपुरा पर 1 खंडपीठ और तहसील मुख्यालय जावत पर 4 खंडपीठ का गठन किया गया है। इस प्रकार जिले में कुल 16 खंडपीठों का गठन नेशनल लोक अदालत के लिए किया गया है। लोक अदालत के माध्यम से प्रकरणों का निराकरण होने पर कोर्ट फीस की पूर्ण वापसी हो जाती है। न्यायालय प्रक्रिया में लगने वाले समय और धन की बचत और आपसी कुटता का भी अंत हो जाता है। विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव संजय जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि शनिवार को जिले में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाना है, जिसको लेकर संपूर्ण तैयारियां की जा चुकी है। नेशनल लोक अदालत के लिए जिले में 16 खंडपीठों का गठन किया गया है। लोक अदालत के माध्यम से न्यायालय में लंबित प्रकरणों में से अदालत में राजीनामा योग्य कुल 2591 प्रकरणों के निराकरण हेतु रखा गया है। इन प्रकरणों में नगर पालिका, नगर परिषद, विद्युत विभाग, BSNL और बैंकों के कुल 3048 वसूली संबंधी प्रकरणों को भी निराकरण हेतु रखा गया है। प्री लिटिगेशन प्रकरणों के निराकरण हेतु शासन द्वारा विभागों के माध्यम से छूट भी दी गई है। नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों का आपसी राजीनामा द्वारा निराकरण करवाए जाने पर पक्षकारों द्वारा न्यायालय में जमा की गई न्याय शुल्क को वापस दिया जाएगा और प्रकरण अंतिम रूप से निराकृत माना जाएगा, जिसकी कोई अपील रिविजन नहीं की जाएगी। वर्ष 2021 की ये अंतिम नेशनल लोक अदालत है जो 11 दिसंबर 2021 को नीमच जिले में आयोजित हो रही है। इस लोक अदालत के लिए जिले में कुल 16 खंडपीठों का गठन किया गया है, जिसमें से 8 जिला मुख्यालय नीमच पर, 4 जावत तहसील में, 3 मनासा तहसील में और 1 रामपुरा में आयोजित की जा रही है। इन खंडपीठों के माध्यम से लगभग 2500 प्रकरण राजीनामा योग्य प्रकरणों को रखा गया है और जिनमें प्रयास किया जा रहा है कि राजीनामा हो सके, और इसके अतिरिक्त 3000 से अधिक प्री लिटिगेशन प्रकरण हैं बिजली विभाग के, नगर पालिका के, BSNL के या बैंकों के, इनमें भी राजीनामा का प्रयास किया जा रहा है। इस तरह से इस नेशनल लोक अदालत को सफल बनाने के लिए पैरालीगल वॉलेंटियर्स भी मेहनत कर रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, गांव-गांव में जाके प्रचार प्रसार कर रहे हैं, प्रचार रथों के माध्यम से भी प्रचार किया जा रहा है। MPB के सहयोग से भी प्रचार रथ रवाना किए गए थे जो पूरे ज़िले में घूम घूम कर इस लोक अदालत का लाभ दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। नीमच से आसिफ अली की ये रिपोर्ट।